मेरे दोस्त फेसबुक पे लोग रील अपलोड करके लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, $722, ये कैसा पैसा है? फेसबुक का एड्स ऑन रील का है। अभी फेसबुक पे एड्स ऑन रील मिलता कैसे है? जैसे अगर फेसबुक पे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो 5000 फॉलोवर चाहता है, ठीक है, आपको कुछ वॉच टाइम चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर एड्स ऑन रील में फेसबुक कहता है कुछ नहीं चाहिए, ना कोई फॉलोवर चाहिए, ना कोई वॉच टाइम चाहिए, ना कोई व्यूज का क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब फेसबुक रील देता कैसे है? और वो भी केवल 10 में से 5 लोगों को ही देता है। ऐसा नहीं सबको दे रहा है कि वो 5 लोग क्या ऐसा करते हैं जिन्हें उन्हें फेसबुक रील देता है। मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगर आप यूज करोगे वो स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको 7 दिन के अंदर आपको फेसबुक पे एड्स ऑन रील मिल जाएगा। जैसे एड्स ऑन रील देखो, यहां पर तो मिला हुआ है। अब आप एड्स ऑन रील के लिए आप आओगे, नीचे क्राइटेरिया देखोगे तो यहां पर देखो केवल क्या है, इनविटेशन ओनली, केवल इनवाइट करेगा फेसबुक। लेकिन किसको इनवाइट करेगा ये बता नहीं रहा है। क्या भाई आप ये काम करोगे तब आपको इनवाइट किया जाएगा, आप कितना फॉलोअर हो जाएगा तब इनवाइट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। तब ये इनवाइट कैसे करेगा? क्या हम 4 महीने 6 महीने से रील बनाते रहे, फ्री का मेहनत करते रहे? नहीं, उसके लिए आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं जो चीजें चाहिए होती हैं, जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको 7 से 10 दिन में ही आपको फेसबुक पे एड्स ऑन रील मिल जाएगा, ठीक। चलिए यहां पर आप देखिए, फेसबुक की वेबसाइट से लाया हूं वो आपको बता रहा हूं, मेहनत किया हूं, रिसर्च किया हूं तब आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। इसलिए यार मेहनत की कदर करते हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। यहां पर देखो, फेसबुक रील प्ले बोनस प्रोग्राम के लिए योग्यता, ठीक है, क्या है कुछ मैं आपको बताता हूं। मेन चीजें, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया में भाई 18 साल तो मिनिमम है, ठीक। आपका जो रील है वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हो, ऐसा नहीं कि आप न्यूड वीडियो डाल दो, आप उल्टा पुल्टा वीडियो डाल दो, ठीक है, हैरेसमेंट वाला वीडियो डाल दो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो इसका रूल है, जो इसका मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, उसको आप फॉलो करना होगा, ठीक। ये तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल के आती हैं कि हमें रील अपलोड करते नहीं रहना है कि फालतू रील अपलोड करते हो जो 6 महीने साल भर, नहीं। यहाँ पर क्या कहता है, आपने ऐसे अकाउंट से अप्लाई किया हो जो 30 दिन से ज्यादा पुराना हो। जैसे आपने पेज बनाया तो ऐसा नहीं कि आज आपने बनाया तुरंत कल ही अप्लाई कर दो, आपका पेज 30 दिन पुराना होना चाहिए। आपने पिछले 30 दिन में कम से कम 5 रील जरूर बनाई हो, इसलिए आप रील डालना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है, यहाँ देखो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रील डालो, आप 1 महीने में कम से कम 5 रील होनी चाहिए आपके पेज, तब जाके आपको मिलने का संभावना है। आपको उसी 30 दिन में आपके रील पर 1,00,000 रील प्ले होना चाहिए, टोटल 1,00,000 व्यूज आ जाए आपकी रील पर। जैसे किसी रील पर आपको 10,000 व्यूज आए, किसी रील पर 5,000 व्यूज आए, किसी रील पर 8,000 आए, तो टोटल 1 महीने में 1,00,000 व्यूज आ जाए, ठीक है, रील प्ले जिसे बोलता है, तो 1,00,000 व्यूज आ जाए तो आपको रील बोनस यहां पर मिल जाएगा, एड्स ऑन रील जिसे कहा जाता है वो मिल जाएगा। यहां पर देखिए, नेक्स्ट देखिए, आपने किसी पेज या ऐसी प्रोफाइल से अप्लाई करना है जो कि प्रोफेशनल मोड पे हो। जैसे अगर आपका पेज है तो भाई वो प्रोफेशनल मोड में होता ही है, लेकिन अगर आप आईडी से अप्लाई कर रहे हो तो आपका वो प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो मैंने आपको बताया कि आईडी 30 दिन पुरानी हो, उस पर कम से कम 5 रील अपलोड हो और उस पर 1 महीने में 1,00,000 रील प्ले होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए क्योंकि लोग यही नहीं समझ पाते। नोट में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत और अमेरिका के क्रिएटर को फेसबुक रील प्ले में शामिल होने का आमंत्रण भेज रहे हैं। अगर आप इन देशों में रहते हो और आप बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट बनाते हो, यहां पर देखो क्वालिटी इज किंग बोला गया है, ठीक है, आप बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट बनाते हो तो आपके बोनस प्रोग्राम में शामिल होने का आमंत्रण भेजा जाएगा, भले ही आप योग्य हो या ना हो। जैसे योग्यता क्या है यहां पर है कि 30 दिन में 1,00,000 व्यूज होना चाहिए, ठीक है, 30 दिन में आप कम से कम 5 रील अपलोड होना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं किए हो, अगर आपकी वीडियो में क्वालिटी है, अगर आपकी वीडियो में क्वालिटी है तब जाके आपको बोनस मिल जाएगा, बिना कोई क्राइटेरिया का इसे दे देगा, लो भाई लेके जाओ, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो लेके जाओ, ये है इंपॉर्टेंट चीज। चलिए यहां पर तो मैंने आपको क्राइटेरिया के बारे में बताया, अब नेक्स्ट हमको वीडियो कैसे अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आना डाना अपलोड कर दो तो पैसा मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर गाइडलाइन सुनो, अलग अलग रील बोनस से जुड़ी शर्तें, ठीक, पहला तो भाई गाइडलाइन के बारे में है तो गाइडलाइन फॉलो करना ही चाहिए। दूसरा, आपके रील में किसी और व्यक्ति का कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो या किसी और की रील नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज अपना रील डालूं, कल कोई म्यूजिक डाल दूं, परसों किसी धारावाहिक का सीन करके कर दूं, मिक्स नहीं करना है। अगर मैं रील बना रहा हूं तो केवल मेरा ही रील होनी चाहिए, ये इसकी गाइडलाइन है, ठीक है। अब देखो एक सवाल और आता है दिमाग में
कि इंस्टाग्राम का तो फेसबुक ही है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों की कंपनी है, तो क्या हम इंस्टाग्राम का रील अपलोड करेंगे फेसबुक तो पैसा मिलेगा? तो यहां पर जवाब सुनिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रील या फेसबुक पर सुझाई गई रील फेसबुक रील प्ले बोनस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगी। सीधा बता रहा है, मतलब आप समझो कि अगर आप इंस्टाग्राम की वीडियो रील जो है वो फेसबुक पे डालते हो तो वो आपको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और दिया गया है आगे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रील जिन्हें लिंक किए गए फेसबुक पेज पर क्रॉस पोस्ट किया गया है वह फेसबुक पर मिले रील प्ले की संख्या के आधार पर फेसबुक रील प्ले बोनस प्रोग्राम के लिए योग्य होगी। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जैसे आपके आईडी से और आपका जो इंस्टाग्राम एक ही है, आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो तो डायरेक्ट आपके फेसबुक पेज पर चला जा रहा है, तो वहां पर जो फेसबुक पेज पर व्यूज जाएगा, वीडियो वही है, एक ही वीडियो इंस्टाग्राम पे आप डालते हो इंस्टाग्राम पे लग जाएगा और साथ में आप देखते हो फेसबुक पे भी चला जाता है, अगर आप मर्ज किए होगे तो आपको पता है। तो आप एक ही रील पे अगर इंस्टाग्राम पे डालोगे, अगर क्रॉस है वो क्रॉस पोस्टेड है तो सीधा फेसबुक पे जाएगा, फेसबुक पे जो व्यूज जाएगा उस व्यूज के अनुसार आपको बोनस मिलेगा। अब ये एक ही वीडियो का मैं सोचना कि इंस्टाग्राम का व्यूज भी वहां पर काउंट होगा, नहीं, भले आप वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हो पोस्ट फेसबुक पे भी हुआ है तो जो फेसबुक पे व्यूज जाएगा उसी का बोनस मिलेगा। ठीक है, अब बोनस में हमारे दिमाग में आता है यार बोनस हमको मिलता कैसे, क्या ज्यादा व्यूज पे आता है या फिर किस पे आता है, इसके मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट सुनिए, आपके रील पर किसी प्लेटफॉर्म का निशान, नाम, लोगो, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना यूट्यूब की वीडियो आप तो यूट्यूब लिखा हो या फिर कोई भी वीडियो हो कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से हो तो उसका लोगो को नहीं होना चाहिए। पोस्ट किए जाने की तारीख के बाद कम से कम 7 दिनों तक आपकी रील फेसबुक पर पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको भी बताया कि हमको यार बोनस ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा कैसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल मुझे मिल गया तो मेरे को मान लो क्या $100 ही हमेशा मिलता रहेगा, उससे ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पर फेसबुक ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा आपकी वीडियो पे इंगेज होगा, जितना ज़्यादा आपकी वीडियो लाइक शेयर कमेंट होगा और उतने व्यूज के अनुसार आपको बोनस मिलेगा, जितना ज़्यादा व्यूज जितना ज़्यादा इंगेजमेंट उतना ज़्यादा आपको बोनस बढ़ता चला जाएगा। तो ये था फेसबुक का जो रील बोनस का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका मोनेटाइज होगा। ठीक है, अब देखो एक ही पेज पे आप 2-3 वीडियो डालो, ठीक है, आप स्ट्रीम भी वीडियो डालो, बोनस वीडियो भी डालो और पोस्ट भी डालो, जो भी आपको मिल जाए आपको बस उस पर काम करना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी, बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।